फोर्स की ऑब्जेक्टिव शीट में कितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया और डाउट है? डाउट है, देखो 0.2 केजी का ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो एंड फोर्स वेक्टर आपको गिवन है। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड? अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ऑप्शन भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो यानी कि पूरी इक्वेशन किस में लगेगी? वेक्टर में लगेगी। तो आपको फोर्स वेक्टर गिवन है, आपको मास गिवन है। अगर आप फोर्स वेक्टर को मास से डिवाइड कर लें तो 0.3 / 0.2, 0.4 / 0.2 तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर आ जाएगा। तो आपके पास एक्सेलेरेशन वेक्टर आ गया। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, मतलब वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं, वो तो स्केलर में यूज करते थे क्योंकि सब कुछ वेक्टर में है। तो वी इज अ वेक्टर, यू इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर। तो यू क्या है यहाँ पर? जीरो। ए वेक्टर हमने निकाल लिया, टाइम क्वेश्चन में 6 गिवन है, मल्टीप्लाई करो, वी वेक्टर आ गया, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आंसर। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पक्का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो तरीके से करवाऊंगा, एक तो अभी करवाऊंगा अभी क्योंकि हम चैप्टर फोर्स कर रहे हैं, तो मैं फोर्स के हिसाब से करवाऊंगा, लंबा सोल्यूशन है। फिर अगले महीने या अगले 10 दिन के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनर्जी, सेम क्वेश्चन एनर्जी के असाइनमेंट में आएगा, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 लाइन में, इतना आसान हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम फोर्स लंबे तरीके से करता था वो काम वही क्वेश्चन एनर्जी छोटे तरीके से करेगा और आसान भी लगेगा। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर ना डायरेक्शन का बड़ा चक्कर है, तो आपको हर वक्त देखना पड़ता है ऊपर नीचे वेक्टर कैसे है। एनर्जी इज अ स्केलर, डायरेक्शन है ही नहीं, और स्केलर में लोग काम करके इसलिए खुश हैं क्योंकि डायरेक्शन की टेंशन ही नहीं, ना आई कैप आएगा, ना जे आएगा, ना के आएगा, सीधा वैल्यू के साथ वैल्यू आएगी। तो जो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट में आएंगे जो फोर्स में करते हैं वो एनर्जी के साथ करेंगे, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन को फोर्स और एनर्जी दोनों से सॉल्व किया जा सकता है। देखना ये है कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है, हाँ क्या कैसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अभी फोर्स से करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि नेल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एच इन टू सैंड पैड, सैंड है, नेल को गिर दिया, ये नेल को गिर दिया, नेल हवा में गिरी, कितनी हाइट से गिरी? एच हाइट से गिरी, तो सैंड स्टार्ट हो गई, सैंड पे एंटर करते इसकी वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gh। कैसे निकलेगी? वी स्क्वायर माइनस 0² इज इक्वल टू 2gh करके वेलोसिटी आ गई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इस वेलोसिटी से सैंड के अंदर एंट्री हो गई नेल की, सैंड में नेल जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो सैंड उसको रिजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। जब सैंड अपोज करेगी तो वेलोसिटी फाइनल इस नेल की क्या हो जाएगी? जीरो। तो इतनी जर्नी के लिए दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो जब सैंड में नेल जा रही है तो ये मान लो नेल है, नेल को कौन नीचे लेके जा रहा है? इसका वेट। और कौन अपोज कर रहा है? सैंड की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द सैंड है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे लगाता हूँ सैंड के अंदर और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है फोर्स एफ निकालना है। तो अगर मैं सैंड में इक्वेशन लगाऊँ तो एम जी माइनस एफ ऐसे लगेगा ना, एम जी माइनस एफ इज एम इंटू माइनस ए। माइनस ए क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर रिटार्डेशन है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी नेल की बढ़ नहीं रही, क्या हो रही है? स्लो हो रही है, और अगर स्लो हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगी? रिटार्डेशन। क्या स्टेप क्लियर है? एम जी यहाँ तक वेलोसिटी क्लियर है, नेल एंटर करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 2gh, नेल सैंड में चली गई, सैंड को स्लो डाउन कर देगी और रोक देगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या? जीरो। तो जब नेल जा रही होगी सैंड में तो एम जी एक फोर्स है, सैंड की रेजिस्टिंग फोर्स एक फोर्स है, तो जब नीचे जा रही है तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, एम जी माइनस एफ इज एम इन टू ए, ए नहीं माइनस ए, क्योंकि सैंड के अंदर नेल क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन है। तो ये स्टेप क्लियर है, एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इन टू माइनस ए। तो यहाँ से रीअरेंजमेंट करके एफ एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये एफ की वैल्यू आ गई। अपने को क्या निकालना है? एफ निकालना है। अगर अपने को एफ निकालना है अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? ए। अब ए कैसे निकलेगा? देखो ए निकालने के लिए सैंड के अंदर, सैंड के अंदर अभी क्या डिस्कस किया था? इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी? जीरो। इनिशियल ए री, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज, और मान लो ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 ए एक्स। लगा सकता हूँ मैं अंदर फॉर्मूला। तो सैंड के अंदर
फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू एक्स। तो आप चेक करो, यही लगाया वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 एनी माइनस ए, क्योंकि सैंड के अंदर क्या हो रही है, रिटार्डेशन इनटू एक्स। क्लियर है? सॉल्व करो, माइनस है माइनस कैंसिल, किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, इस ए को उठा के यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। पर मैं फिर कहूंगा ये लंबा सॉल्यूशन है, इसको एक लाइन में खत्म किया जा सकता है एनर्जी के साथ, जो एनर्जी चैप्टर में करवाऊंगा, सेम क्वेश्चन वापस आएगा। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? लेकिन ये देखो, हाँ ये रहा एम जी, नीचे फोर्स अपोजिंग ऊपर है जो रोक रही है, तो मैंने कहा एम जी माइनस एफ इज एम ए, फिर एम ए ए पॉजिटिव करना पड़ेगा, फिर एम जी छोटा है ना तो रिटार्डेशन है, जैसे मर्जी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, कितने को डाउट है? डाउट है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पहली बात तो एंगल मिसिंग है, एंगल 60 डिग्री मार्क कर लो प्लीज, एंगल करेक्शन कर लो, 60 डिग्री गिवन है, गिवन है, बना हुआ है इसमें। अच्छा, इसके अंदर ये एक रस्सी है, ये दो रस्सी है और ये तीन रस्सी और ये मास है, एक रस्सी एक टेंशन, दो रस्सी दो टेंशन, तीन रस्सी तीन टेंशन, तो टेंशन T1 T1, T2 T2, T3 T3, डन, टेंशन बन गई, एंगल 60 डिग्री क्लियर है। जो टेढ़ी टेंशन है T2, इसके दो कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे, पहला कॉम्पोनेंट T2 हुआ T2 cos 60, दूसरा कॉम्पोनेंट T2 sin 60, क्लियर है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है तो पहली इक्वेशन mg मस्ट बी इक्वल टू T3, पहली इक्वेशन mg इक्वल टू T3, नीचे की फोर्स इक्वल टू ऊपर की फोर्स, दूसरी इक्वेशन इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो इस पॉइंट के लिए नीचे की फोर्स T3 है और ऊपर की फोर्स T2 cos 60 है, तो क्या बनेगा, T3 इज इक्वल टू T2 cos 60। फिर राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स, तो यानी कि T2 sin 60 इज इक्वल टू T1, तो पहली फोर्स ये बनेगी T3 इज इक्वल टू mg, दूसरी T3 इज इक्वल टू T2 cos 60, तीसरी T1 इज इक्वल टू T2 sin 60। ये देखो ये दो इक्वेशंस हैं, तो ये T3 आ गया, T3 की वैल्यू mg और T3 की वैल्यू T2 cos 60, तो यहाँ से mg इस इन दोनों को इक्वेट कर लो, ये भी T3 है ये भी T3 है, तो mg इज इक्वल टू T2 cos 60, यहाँ से T2 निकाल लिया mg पे cos 60, और तीसरी इक्वेशन क्या थी, T1 इज इक्वल टू T2 sin 60, ये रहा, यहाँ से T2 की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पुट करके आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम बनाओ, ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स इक्वेट करो, टेंशन की वैल्यू आएगी। पर तीन इक्वेशन बनाने का मेरा काम था, बाकी तो साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है, पर आइडिया समझ में आ रहा है। और मैं यही समझा रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक्स में मिलेंगे जो आपको, क्योंकि मैंने नहीं करवाई, मैंने करवा दिया आपको याद हो गया, अब नया क्वेश्चन आएगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो बुक्स के अंदर ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट। अच्छा, 4 तो फ्रिक्शन का था, इसको रहने दो, ये अभी नहीं करेंगे कि फ्रिक्शन का था, हाँ फ्रिक्शन का, ये अभी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5 में देखो, 5 में ना कितनों का हो गया वैसे, ये 5 के अंदर ना इसमें डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, इसमें ऐसा लग रहा है इस डायग्राम को देखते हुए कि कोई यहां से फोर्स लगा रहा है एफ, कोई यहां से फोर्स लगा रहा है एफ, और आपको इनके बीच में क्या ढूंढनी है, कॉन्टैक्ट फोर्स, पर ऐसा है नहीं। इसमें यह गिवन है दो ब्लॉक्स हैं और एक का मास 2m एक का m, अब फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन 2m, बस सिर्फ 2m, फिर दूसरे केस में नेक्स्ट फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन m, तो यानी कि पहली बार डायग्राम ऐसा बनेगा f यहां पे लग रही है, दूसरे केस में डायग्राम ऐसा बनेगा कि फोर्स यहां लग रही है। क्लियर है? दो केस हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ना ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी सीखी थी, याद है हैंड रिटन में, तो जैसे ये ब्लॉक इसको फोर्स लगाएगा T1, तो बदले में ये भी क्या लगाएगा T1, फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे T1 निकालते थे, फिर ऐसे ये भी लगाएगा T2 और यहाँ से ये लगाएगा T2,
फ्री बॉडी डायग्राम से टी टू, फिर दोनों केस सॉल्व करो, एक बार निकालो टी वन, एक बार निकालो टी टू, और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, डिवाइड करके रेशियो आएगी। पर मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन याद है, कॉन्टैक्ट फोर्स ब्लॉक्स के बीच में कैसे निकलती थी, कोई डाउट इसमें? हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व? तो दो केस सॉल्व कर लेंगे, इसको ट्राई करना है आपने, करना है ठीक है? यहाँ तक डाउट है, आइडिया समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक, तो ब्लॉक वाले क्वेश्चन तो आपको रिवाइज ही करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कितने लोगों को डाउट है? देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में ना आपको ये गिवन है, अ मैन वॉन्ट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप, एक रस्सी से एक बंदा ना नीचे उतरना चाहता है, द ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप, ब्रेकिंग लोड का, लोड का मतलब होता है फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स का मतलब रस्सी कितनी फोर्स से टूटती है, तो रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन बोलूंगा मैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा टेंशन जो वो सपोर्ट कर सकती है वो टू थर्ड ऑफ मैन का वेट है। अगर आपने जो मैन का वेट या रस्सी की जो फोर्स टू थर्ड ऑफ एम जी से बढ़ गई तो रस्सी समझो टूट गई, बस ये मैक्सिमम टेंशन इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है यहां तक? ये मैन कहां उतरना चाहता है, नीचे, कितनी मिनिमम एक्सलरेशन से वो नीचे उतरे ये आपने बताना है। रस्सी पे अगर मैन नीचे उतरता है तो उसका वेट क्या होता है नीचे, एम जी, और टेंशन क्या होती है ऊपर रस्सी की, टी। जब ये मैन नीचे उतरेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बड़ा, एम जी के टी, एम जी, तो नीचे की फोर्स एम जी, ऊपर की फोर्स टी, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा लॉजिक इसमें ये है कि जो एम जी वेट है ना ये है कॉन्स्टेंट, देखो बंदे का वेट तो चेंज होता नहीं, कॉन्स्टेंट है। अगर मैं टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूँ इसमें, अगर मैं टेंशन की वैल्यू थोड़ी भी हो सकती है ज़्यादा भी, चलो एक काम करते हैं मैक्सिमम टेंशन पुट कर दो, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, मिनिमम। अगर टेंशन कम रखते हो, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू में से अगर टेंशन कम रखते हो तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और अगर टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा रखते हो तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा। तो आप वही तो वो कह रहे हैं कि आपने टेंशन क्या पुट कर दी, मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी इसमें, मिनिमम। ये स्टेप समझ में आया कि अगर मान लो एम जी का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, मान लो बंदे का वेट है 100 न्यूटन, बस ये फिक्स है, फिक्स है, तो टेंशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी ये डिफरेंस उतना कम होता जाएगा। तो अगर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर सकता हूँ तो ए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या जाएगा, मिनिमम। तो इसलिए उसने टर्म क्या बोली, मिनिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको टेंशन क्या गिवन थी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम का चक्कर समझ में आ रहा है क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसमें टी की वैल्यू को पुट कर देना, एम 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 कैंसिल, ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आज। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट है, मोशन का क्वेश्चन है ये। बॉडी जिसका मास 2 kg है, एक्स डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट में पी भी गिवन है, क्यू भी गिवन है और आर भी गिवन है, पी क्यू आर तीनों गिवन है। क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर आप मुझे इस बॉडी की एक्सेलरेशन बता दो 2 सेकेंड पे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, एक्स की वैल्यू में पी क्यू आर पुट कर लिया, एक्स आ गया। मोशन चैप्टर में क्या किया था, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर लो, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, दो बार करोगे तो एक्सेलेशन आ गई, एक्सेलेशन आ गई, टाइम को पुट कर दो 2 सेकेंड, तो एक्सेलेशन आ गई 2 सेकेंड पे, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ गई 2 सेकेंड पे डन। तो ये स्टेप क्लियर है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी आता है, वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए आता है, ये रूल है। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, कितनों का हो गया डाउट है इस क्वेश्चन में, क्रिकेट की बॉल है 150 ग्राम की बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यहां वेक्टर लगा लेना प्लीज, यहां वेक्टर मिसिंग है, दिस इज वेक्टर, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर,
तो आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, और वो भी वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप में। तो कुछ नहीं करना, डेल्टा पी वेक्टर चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर, एम कॉमन आ गया तो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। वी मास आपको 150 ग्राम गिवन है, केजी में कन्वर्ट कर लिया तो ये मास आ गया। वी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, यू वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इन्हें माइनस कर लो, माइनस करके डेल्टा पी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, एम इन टू वी वेक्टर माइनस, देखो जो वेक्टर में है उसको वेक्टर में रखना है, ऑप्शन देख लेना है, अगर सब कोई वेक्टर में है तो वेक्टर में करेंगे, अगर स्केलर में है तो स्केलर में होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट क्या? हमने 9th क्वेश्चन किया हुआ है, क्या हुआ है, लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? देखो हमने क्वेश्चन ऐसे किया था, अगर आपको याद हो, जिस दिन सूडो फोर्स का लेक्चर था, हमने ये किया था कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, u इज इक्वल टू जीरो है, वो कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है और वो नीचे आता है, और इसकी लेंथ इंक्लाइन की l है। जब कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है उसकी, जी साइन थीटा, किया हुआ है हमने। तो आप इसमें अगर इक्वेशन लगाते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो l इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इन टू जी साइन थीटा इन टू टी स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 2l बाई जी साइन थीटा का अंडर रूट। इतनी देर में ये ब्लॉक नीचे आएगा। याद करो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर ये पूरा अरेंजमेंट लिफ्ट में डाल दिया जाए और लिफ्ट नीचे एक्सलरेट हो, तो जहाँ जहाँ आपको जी दिखता है वहाँ वहाँ जी माइनस ए कर देना, आंसर आ गया। करवाया था ना शॉर्टकट ये वाला, आंसर क्लियर है?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कितने लोगों को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 सबका हो गया डाउट है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, हमने ऐसा क्वेश्चन ऐसे किया है कि अगर इस वेज को मैं ए एक्सलेशन से मूव करवाऊं ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो उसके लिए क्या किया था? अगर ये वेज आगे जाता है तो ब्लॉक पे क्या लगती है पीछे? सूडो फोर्स। तो एम जी के दो कॉम्पोनेंट हैं, एम जी साइन, एम जी कॉस, नॉर्मल रिएक्शन। तो एम ए के भी दो कॉम्पोनेंट हैं, याद है एल्फा एल्फा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लास में किया था। तो सूडो फोर्स के लेक्चर में एम ए के दो कॉम्पोनेंट थे, एम ए कॉस एल्फा, एम ए साइन एल्फा। एम ए साइन एल्फा चाहिए नहीं हमें। अगर ये ब्लॉक नीचे आता है तो कौन सी फोर्स नीचे लेके आती है? एम जी साइन एल्फा। कौन बचाएगा इसको नीचे आने में? एम ए कॉस एल्फा। इन दोनों को इक्वेट करके ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11th क्वेश्चन इसी की कॉपी है, फिर से एक वेज है। इस बार मैंने वेज को फोर्स एफ लगाई ताकि ब्लॉक नीचे ना आए। तो आपको इसमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन क्या है। देखो जब आपने इसका वेट लिया एम जी, तो एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम जी कॉस एम जी साइन, पहली बात। दूसरी बात, आपने फोर्स इस तरफ लगाई तो एफ वेक्टर को यहाँ ले जाओ, तो थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एफ के दो कॉम्पोनेंट है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अपने को इसमें क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा आंसर। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? एम जी साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। सारा गेम डायग्राम का गेम है, ये वाला ऊपर थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, इस थीटा से मैच करता है ना ये थीटा, जैसे ऊपर किया था ये एल्फा एल्फा कॉरस्पॉन्डिंग सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, 12 में एक स्ट्रिंग घूम के आ रही है, एक स्ट्रिंग ये गई और ये ऐसे आई, तो इसके अंदर नीचे की फोर्स क्या है? एम जी साइन थीटा। टेंशन टी एन टी, क्योंकि एक ही रस्सी है, एक ही टेंशन पेयर में एक्ट करेगी। तो क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो पहली इक्वेशन बोलो एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू ए, और इसके लिए टी इज इक्वल टू एम इन टू ए। टी की वैल्यू को एम में यहाँ पुट करके ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ए आ गया, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, ए आ गया तो एफ आ गया। एम ए की जगह हाँ ऐसे कर लो, एक ही बात। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, डाउट है कि नहीं होगी असाइनमेंट, गारंटी है, नहीं तो हाथ खड़ा होता ही होता। आपको पता ही नहीं कि वन इन एल क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो फिजिक्स में वन इन एल को बोलते हैं साइन थीटा वन बाई एल। तो अगर ऐसा ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि इसकी जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन वन इन एल है, वन इन एल का मतलब इसका साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन एल है, अभी हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने इस वेज को हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन दी इस तरफ ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। सेम वही सेम प्रॉब्लम, जब ये ब्लॉक नीचे ना गिरे तो क्या रूल लगता है? जब आपने वेज को ए एक्सलेशन यहाँ दी तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? एम ए पीछे। तो एम ए पीछे, एम जी साइन थीटा नीचे, तो ये थीटा, तो ये थीटा, एम ए के दो कॉम्पोनेंट है, एम ए कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा। तो ये ब्लॉक अगर नीचे ना आए, अभी हमने किया था, तो एम जी साइन थीटा किसको इक्वेट करेगी? एम ए कॉस थीटा। इक्वेट कर लिया, एक्सलेशन आ गई। अब आंसर इस फॉर्म में है नहीं, एक काम करो साइन थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। साइन थीटा क्या है? वन अपॉन एल। तो ये क्या है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस वन। तो यहां से टेन थीटा क्या आएगा? वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आंसर। ये आंसर है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, मतलब क्वेश्चन वही है एक्सलेशन सूडो फोर्स वाले, बट टेन थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो आइडिया समझ में आ रहा है? जब आप तीन चार क्वेश्चन एक टाइप के सॉल्व करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है आपको, अब वो पता है कि इसमें क्या करना है। यहाँ तो क्लियर हो गया, हमें क्या गिवन है? साइन थीटा वन इन एल, ट्राइंगल बनाओ वन बाई एल, पाइथागोरस टेन थीटा क्या होगा? वन बाई आंसर। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है,
असाइनमेंट IIT तो स्टार्ट भी नहीं हुई अभी, मेंस मेंस भी इससे थोड़ा सा ऊपर ही है एक्चुअली। मेंस के अंदर सिर्फ फोर्स नहीं आती, फोर्स एंड फ्रिक्शन आती है एंड सर्कुलर, तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो अभी तक हम अभी तो बेस बन रहा है, सच पूछो तो अभी ये बेस बन रहा है सिर्फ। हाँ अगर आप ये कहते हो कि मेंस के अंदर 8 क्वेश्चन ईजी आते हैं तो हाँ एक आध ईजी कैटेगरी ऑफ असाइनमेंट है ये, ओके वेरी ईजी कैटेगरी ऑफ असाइनमेंट है ये, ओके बच्चों वाली असाइनमेंट है ये, बस इससे ऊपर आना है जो भी आना है। सच्चाई है यार, मैं झूठ कैसे बोलूं, ठीक है। ये अभी स्टार्टर्स हैं कि आपको एकदम झटका आना लगेगी यार सोचा नहीं जा रहा, धीरे 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 करके आपका लेवल बढ़ेगा, एक बार में बनता नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है ना। ये स्कूल लेवल कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कोई भी स्कूल लेवल के लिए नहीं पढ़ के जाने, स्कूल नहीं करके जाना, ठीक है। एक पार्टिकल जिसका मास 5 kg है, कितने लोगों की असाइनमेंट हो गई थी वैसे, ये क्वेश्चन हुआ जिसका नहीं हुआ, हुआ हुआ। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जिसका मास 5 kg है, जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक F1 वेक्टर जिसकी वैल्यू गिवन है और एक F2 वेक्टर, राइट, इकट्ठी एक्ट कर रही हैं। F2 अननोन है, कहते F2 मुझे पता नहीं। पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ए इन द डायरेक्शन एज शोन, कह रहे दो फोर्सेज इकट्ठी एक्ट कर रही है, इनका वेक्टर सम यहां जाता होगा तो ये इधर मूव कर रही है, नेट फोर्स तो बीच में कहीं होगी पैरेललोग्राम से, तो एक्सलेशन इस तरफ है। व्हाट थर्ड फोर्स F3 वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल 0। अब ये तो बात पक्की है कि इन दोनों का रिजल्टेंट F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर का इधर जाएगा। मैं ये चाहता हूं ये मूव ना करे, तो मैं तीसरी फोर्स एग्जैक्टली इसके कहां लगाऊंगा, ऑपोजिट लगाऊंगा, और एग्जैक्टली उतनी वैल्यू को लगाऊंगा जो इनका रिजल्टेंट होगा, ताकि आपस में फोर्सेस कैंसिल कर जाएं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसकी ऑपोजिट फोर्स लगेगी। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए काम करना है आपको, फोर्स F1 वेक्टर तो गिवन ही है। आप एक काम करो, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लो, पहला 10 cos θ 10 sin θ, कर लिया। ए क्या है इसमें, नेट एक्सलेशन, जब F1 और F2 वेक्टर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो नेट एक्सलेशन ए है। तो अगर मैं ये पूछूं कि F1 वेक्टर F2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स देगा, नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू नेट एक्सलेशन, तो ये लाइन क्लियर है। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या देगा, एम ए वेक्टर देगा, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर ए वेक्टर आपको क्वेश्चन में निकाल लो कैसे, 10 cos θ 10 sin θ, तो ए वेक्टर आ गया, और इस क्वेश्चन में सब गिवन है, साइन थीटा भी गिवन है, कॉस थीटा भी गिवन है। तो आप एक काम करो, जहां ए वेक्टर है कॉस थीटा की जगह वैल्यू कॉस थीटा की पुट कर दो, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये देखो ये आ गया, तो आपके पास F1 वेक्टर F2 वेक्टर का सम आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब जो तीसरी फोर्स लगेगी वो एग्जैक्टली इनके क्या लगेगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो सीधा लिखो इसका ऑपोजिट क्या होगा, आगे साइन क्या लगा दें, माइनस, आंसर दिस इज F3 वेक्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है? सच दैट अगर आप इसे और इसे ऐड करेंगे तो देखो आंसर नेट क्या आ रहा है, 0, क्योंकि हमने यही करना है,
कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करके नेट आंसर जीरो, ताकि बॉडी मूव ना करे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? कैसे सोचें, समझ में आ रहा है? ठीक। क्वेश्चन नंबर टू, कितने लोगों को डाउट है इसमें? डाउट है। देखो इसमें ना तीन फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं, एक दो और तीन। अब वो कह रहा है पार्टिकल विल मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट। एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये फोर्स है F1 वेक्टर, मान लेते हैं ये फोर्स है F2 वेक्टर, और एक वेक्टर नीचे है ना। इमेजिन करो कि अगर ये F3 वेक्टर है और मैं काम करता हूँ, इसको उल्टा ले लेता हूँ, उल्टा लेते ही मुझे साइन क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव, जैसे लैमिस थ्योरम में लगाया था लास्ट टाइम। मैंने क्यों लगाया? मैं ट्राइंगल लॉ लगाना चाहता हूँ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? एक वेक्टर ये रहा, दूसरा इसे कंटिन्यू कर रहा है और तीसरी क्लोजिंग साइड है, तो जो क्लोजिंग साइड है माइनस F3 वेक्टर, वो F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर के सम के इक्वल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो क्लोजिंग साइड है माइनस F3 वेक्टर, F1 वेक्टर F2 वेक्टर के सम के इक्वल है। तो यहां से F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? नेट जीरो। इससे पता लग रहा है कि नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या है? जीरो। और नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है? अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी, उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो का मतलब नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। क्या है पॉइंट क्लियर है? तो इसका आंसर क्या मार्क करेंगे? वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो। अब देखो ये चीज हमने दो बार की, अगर एज अ स्टूडेंट आप एक ठीक ऑब्जर्वेशन लो तो लैमिस थ्योरम में भी ऐसा ही डायग्राम था, आज भी ऐसा डायग्राम है। अब हमारा माइंड ये याद कर लेगा कि कल को अगर ऐसा डायग्राम आएगा तो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो मानी जाएगी, याद हो गया ना? और जब नेट फोर्स जीरो है तो शॉर्टकट क्या कहता है? वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज। अब ये प्रैक्टिस है कि ऐसे तीन डायग्राम आपने देख लिए कि भैया ऐसे केस में तो नेट फोर्स जीरो ही होती है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं ना, फिर आपको पता लग गया नेट फोर्स। यही एक्सपीरियंस है जो क्वेश्चन करके आपको मिलेगा, बिना करे नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन बता दिया, लैमिस में बताया था, आप लैमिस में सुनने के बाद भी लगा नहीं पाओगे इसमें। आज आपने ये दोबारा देखा, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आप लगाना शुरू कर दो। यही मैं कह रहा हूं कि 100-100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब ऑब्जर्वेशन ज्यादा बनेगी। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये लो एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये रहा हेलीकॉप्टर, टेढ़ा उड़ रहा है, ऐसा ऐसे उड़ रहा है, ऐसे नहीं उड़ रहा, ऐसे उड़ रहा है टेढ़ा, ऐसे। कह रहा है डायग्राम प्लॉट करो इसके फोर्सेस के। रूल नंबर वन, इसमें एयर की रेजिस्टेंस लेनी है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें ड्रैग वर्ड आया, एफ ड्रैग, ड्रैग का मतलब है एयर की रेजिस्टेंस की फोर्स को ड्रैग बोलते हैं। तो अगर हेलीकॉप्टर ऐसे आगे जा रहा है तो ड्रैग पक्की बात है कहां लगेगा? पीछे। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। आंसर या ये है या ये है। पहला पॉइंट क्लियर है? ड्रैग पीछे है। पंखा कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। जब पंखा रोटर ऐसे घूम रहा है, ये रोटर घूम रहा है, तो इसकी जो फोर्स है वो टेढ़ी ऐसी आएगी, रोटर की फोर्स। तो रोटर की फोर्स तो ऐसी ही आएगी, ये भी क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर हालत में नीचे आएगी। कुल मिला के कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे? ग्रेविटी की फोर्स, पंखे की फोर्स, रोटर फोर्स और ड्रैग की फोर्स। आप कहेंगे सर एम ए फोर्स, ना, फोर्सेस सिर्फ तीन ही एक्ट कर रही हैं, एम ए कहाँ से आता है? जब आप इनका रिजल्टेंट लेते हो तो न्यूटन का लॉ कहते हैं भैया इनका रिजल्टेंट लगाने के बाद इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एम ए। एम ए बनाना थोड़ी ना होता है। और ये भी नहीं है कि हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है, अपनी सूडो फोर्स अपने ऊपर ही आगे लगा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो सूडो फोर्स एम ए तो हो नहीं सकती। तो एम ए नाम की कोई फोर्स नहीं है। आप जितने भी डायग्राम आपने ब्लॉक्स के बनाए, आपने एम जी बनाया, आपने नॉर्मल रिएक्शन बनाया, एम जी के कॉम्पोनेंट्स लिए, आपने एम ए कभी नहीं बनाया। एम ए तो आपने इक्वेशन में यूज किया कि नेट फोर्स इज एम ए, तो एम ए नाम की कोई फोर्स नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अनलेस वो सूडो फोर्स ना हो। ये तो रूल है यार, अगर हेलीकॉप्टर आगे मिलेगा तो फ्रिक्शन तो पीछे एक्ट करेगी, रूल है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है, ये रूल है, रूल है, ऑपोजिट होगी। ठीक है यहां तक? ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी पिछले असाइनमेंट में था कि एक बार फोर्स इधर लगाई, एक बार फोर्स इधर लगाई, और बीच में क्या निकाल लिया? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप दो डायग्राम बनाना,
फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कितनों को डाउट है? देखो इस क्वेश्चन को ना आपको 3 बार सॉल्व भी करना पड़ेगा यार, कोई तरीका नहीं है इसमें। वो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फिगर नंबर 1 में टेंशन, 2 में टेंशन, 3 में टेंशन निकाल लो और बताओ किसमें टेंशन बड़ी किसमें छोटी। तो रूल नंबर 1, ये तो सिस्टम बना हुआ है मूव नहीं कर रहा, अगर ये मूव नहीं कर रहा तो यहाँ टेंशन है टी ए टी ए, यहाँ टेंशन है टी ए टी ए, इक्वल एंड ऑपोजिट, और इसका वेट कितना है 2g, तो टी ए की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 2g। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ का वेट टेंशन मूव तो कर नहीं रहा, तो ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो टी ए इक्वल टू 2g। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा इसकी बात करें, ये मूव करेगा नीचे विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो इसका वेट कितना है 2g, ये कितनी है टेंशन TB, ये कितनी है TB, ऐसी ये कितनी है TB, ये कितनी है TB, तो ये आगे जाएगा विद ए, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 2g माइनस TB इज 2 into a, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी TB इज इक्वल टू 1 into a। सॉल्व करके TB कैन बी कैलकुलेटेड, ये भी क्लियर है यहाँ तक? TA निकाल लोगे, TB निकाल लोगे, आखिरी लास्ट केस में यहाँ पे टेंशन है TC 1G, ये नीचे आएगा, इक्वेशन बनेगी 1G माइनस TC इज 1A, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी TC इज इक्वल टू 2A, इक्वेशन में 2। इन्हें सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TC। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो TA निकाल लो, TB निकाल लो, TC निकाल लो, फिर डिसाइड करो कौन बड़ा कौन छोटा, तो बड़े छोटे को कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है? इस क्वेश्चन में कितने लोगों को डाउट है? इसके अंदर ना ए की रस्सी है तो ए की टेंशन है, ये देखो टेंशन TNT, ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो 1G माइनस T 1A, ये ब्लॉक लेफ्ट जाएगा तो T इज इक्वल टू 1A। सॉल्व कर लो आंसर, ठीक? ये आखिरी क्वेश्चन था क्या? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?